गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करेंगे। हम पढ़ रहे थे आईपीएम के टूल्स, उसमें हमने फिजिकल, मैकेनिकल और कल्चरल वगैरह पढ़ लिया था, लीगल कंट्रोल पढ़ लिया था। उसके बाद हमने बीच में एक क्लास ली थी छोटी सी इंसेक्टिसाइड एक्ट की, ठीक है। अब हम वापस से आईपीएम के टूल्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें से एक जो टूल है वो है जो आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल होता क्या है, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल कंट्रोल किसको बोलते हैं। अगर इसकी हिंदी में बात करें कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब होता है जैविक नियंत्रण। क्या? जैविक नियंत्रण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? जैविक नियंत्रण। अब जैविक नियंत्रण क्या होता है, सीधी सी बात है, जैविक। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल वर्ड को देखो, सबसे पहले बायो का मतलब क्या होता है, कोई भी जीव। बायो किसको बोलेंगे, कोई भी लाइफ, उसको बायो बोलेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी कि जैविक नियंत्रण में क्या करेंगे, हम एक जीव द्वारा दूसरे जीव को नियंत्रण करेंगे। अब नॉर्मली क्या होता था, जैसे अगर कल्चरल कंट्रोल की बात करें, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जैसे सीड वगैरह में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है ना, तो उसमें जीव का कोई रोल नहीं है। ऐसी मैकेनिकल की बात करें, तो उसके अंदर हमें किसी यंत्र की सहायता से इंसेक्ट को मारते हैं या पकड़ते हैं, तो उसमें भी जीव का रोल नहीं है। इसमें क्या होता है, एक जीव द्वारा दूसरे जीव को है हम जो नियंत्रण करते हैं। सीधी सी बात है, बायोलॉजिकल कंट्रोल की डेफिनेशन की बात करें, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवित जीव द्वारा दूसरे जीवित जीव या कीट को नियंत्रण करना क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ ए पेस्ट बाय मींस ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी पेस्ट का मैनेजमेंट करना बाय अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे जीवित जीव से, वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब वो जीवित जीव क्या हो सकता है, पैरास्टॉइड हो सकता है, प्रीडेटर हो सकता है, या फिर कोई भी पैथोजेंस हो सकता है ना। ये क्या होते हैं, पैरास्टॉइड, प्रीडेटर वगैरह, इनकी बात करेंगे हम एक एक करके। तो वो कोई पैरास्टॉइड, प्रीडेटर या पैथोजेंस कुछ भी हो सकता है, जिसके द्वारा हम किसी दूसरे जीव को नियंत्रण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। दैट इज इनकर्ज्ड एंड डिसिमिनेटेड बाय मैन, यानी कि जो मनुष्य द्वारा किया जाता है, यानी कि मनुष्य का हस्तक्षेप रहता है इसमें, और इकोलॉजिकली भी होता है, कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसको क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। सीधी सी बात है, किसी जीवित जीव द्वारा, अब वो जीवित जीव क्या हो सकता है, कोई परजीवी हो सकता है, परभक्षी हो सकता है, कोई और रोगाणु हो सकता है, ठीक है। किसी कीट को नियंत्रण करना क्या कहलाता है, जैविक नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। इन सच प्रोग्राम द नेचुरल एनिमीज आर इंट्रोड्यूस, यानी कि इसमें क्या होता है, नेचुरल एनिमी किसको बोलते हैं, हिंदी अगर बात करें तो इसको बोलते हैं नेचुरल एनिमी, यानी कि प्राकृतिक शत्रु जो है ना, जो नेचर में अपने आप विद्यमान रहते हैं। क्या चीज, प्राकृतिक शत्रु जो है, यानी कि जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है, हमने कुछ नहीं किया। इसमें क्या है, रिसर्च प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, जो नेचुरल एनिमीज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनको बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ाते हैं बाय आर्टिफिशियल मीन्स, ठीक है, जो कि किसी भी अगर बात करें हम, कृत्रिम जो है, जो उसको चैनल प्रोवाइड करवा के हम उनको क्या करते हैं, नेचुरल एनिमी है, उनको बढ़ावा देते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं हमारे जो भी फसलों में लगने वाले पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। अब बात करेंगे टेक्निक्स इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको सीधा लिखा आएगा टेक्निक्स इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो इसके अंदर तीन टेक्निक्स काम में आती है, ठीक है। ये टेक्निक्स भी हो सकती है, इनको सीक्वेंस भी बोल सकते हैं हम, है ना। अब होता क्या है इनमें, तो इसके अंदर क्या है, तीन टेक्निक इन्वॉल्व है, ठीक है। अब वो क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, ऑगमेंटेशन एंड कंजर्वेशन, तीन चीज होती है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसको क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, तो सीधी सी बात मैं आपको साधारण शब्दों में बता दूं कि इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करना किसी नई चीज को, यानी इसमें क्या करते हैं हम, कोई ऐसे जैविक जीव है ना, ऐसे प्राकृतिक शत्रु जो कहीं और विद्यमान है, उनको हम किसी नई जगह पे लाके क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं हमारे जो पेस्ट है उसको नियंत्रण के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन, है ना। किसी जहाँ वो पहले से विद्यमान नहीं है वहाँ पे लाके उनको छोड़ना या उनको यूज करना क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, उनको लेके आना। फिर ऑगमेंटेशन की बात करें, या इसको बोल सकते हैं इंकरेजमेंट या फिर वृद्धि, है ना। इसमें हम क्या करते हैं कि इसको फील्ड के अंदर रिलीज करते हैं,
ठीक है, फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ऑगमेंटेशन का मतलब यानी इसको सबसे पहले लेके आए, फिर उसको फील्ड के अंदर रिलीज करेंगे। अब रिलीज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी बात करेंगे। फिर आता है कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन को बोलते हैं संरक्षण। क्या बोलते हैं? संरक्षण। अब संरक्षण का मतलब क्या है कि आपने रिलीज कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, समय समय पर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट है क्रॉप का उसके अंदर हम क्या चेंज करें कि इनकी संख्या बढ़ती रहे अपने आप, या फिर ऐसा समय आ जाए। मान लीजिए अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक पेस्ट होता है, प्रीडेटर होता है लेडी बर्ड बीटल। अब वो लेडी बर्ड बीटल एफिड्स को खाती है, ठीक है, एफिड्स को खाती है, लेकिन क्या होगा, मान लीजिए अब वो सरसों की क्रॉप पे हम वो नेचुरल एनिमी विद्यमान है, लेकिन क्या होगा कि जैसे जब तक क्रॉप है तब तो वो एफिड को खाएगा, लेकिन एफिड को खाने के बाद यानी कि जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी तब क्या होगा, तब हमें क्या करना पड़ता है, इनको आर्टिफिशियल हम कुछ खाने के लिए कुछ डाइट या फिर अल्टरनेट होस्ट उनको प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो जीवित रह सके और अपनी संतति को बढ़ाते रहें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्रॉप आएगी तो उसमें एफिड लगे तो ये उनको खा सके या फिर मैनेज कर सकें। तो उनको जैसे तैसे उनको संरक्षण करना, बनाए रखना क्या कहलाता है, कंजर्वेशन। तो एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, या इसको बोल देते हैं क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इट इज़ द डेलिब्रेट इंट्रोडक्शन एंड इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इंट्रोडक्शन उसका और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, उसको स्थापित करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल एनिमीज, ठीक है, प्राकृतिक शत्रु को इस्टेब्लिश करना टू ए न्यू लोकेलिटी, यानी कि एक नए स्थान के ऊपर, वेयर दे डिड नॉट अकर, जहाँ वो नहीं है, ठीक है, जहाँ वो नहीं पाए जाते और ओरिजिनेट नेचुरली, या फिर वहाँ पे जनरली वो ओरिजिनेट नहीं होते, तो उस जगह पे लाके उनको छोड़ना नई जगह पे, वो क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन या फिर जो है क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। इट इज़ द डेलिब्रेट इंट्रोडक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल एनिमीज टू ए न्यू लोकेलिटी वेयर दे डिड नॉट अगर, जहाँ वो पहले से नहीं होते हैं और ओरिजिनेट नेचुरली, ठीक है, यानी प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। When natural enemies are successfully established, जब वो successfully established हो जाते हैं, it usually continue to control the pest population. तो वो क्या करते हैं, लगातार हमारी जो pest की population होती है उसको control करते रहते हैं। तो ये है first, इसके अंदर तीन techniques है। Second जो है वो है augmentation. Augmentation मैंने आपको बताया, इसमें क्या करते हैं, हम release करते हैं field के अंदर उनको। It is the rearing, यानी कि उनको पालना, ठीक है, rearing का मतलब क्या होता है, उनको पालना and releasing, यानी कि उनको रिलीज़ करना, या फिर साधारण भाषा में बात करें तो फील्ड के अंदर उनको छोड़ना, यह क्या कहलाता है, रिलीजिंग। तो इट इज़ द रियरिंग एंड रिलीजिंग, उनको पालेंगे और उनको रिलीज करेंगे फील्ड के अंदर, रिलीजिंग ऑफ नेचुरल एनिमी टू सप्लीमेंट द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग नेचुरल एनिमीज। अब क्या होगा कि जो प्राकृतिक शत्रु जो है, ठीक है, पहले से विद्यमान है, हम क्या करेंगे, उनकी रेयरिंग करेंगे, उनको पालेंगे, पालने के बाद उनको फील्ड के अंदर रिलीज करेंगे, किसमें, एज ए सप्लीमेंट, यानी कि पहले से क्या है वहाँ पे है विद्यमान, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ा देते हैं वहाँ पे, और ज़्यादा नेचुरल एनिमी हम छोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ऑगमेंटेशन कहलाता है। अब ये दो तरीके का हो सकता है ऑगमेंटेशन, एक तो होता है इनोकुलेटिव रिलीज, ठीक है, और एक होता है इनंडेटिव रिलीज। दो चीज़ें होती है, इनोकुलेटिव रिलीज एंड इनंडेटिव रिलीज। अब इनोकुलेटिव रिलीज में क्या होगा, सिंपल थोड़ा सा फ़र्क है, इनमें ध्यान रखना। इनोकुलेटिव रिलीज में क्या होगा, हम पूरे क्रॉप सीजन के अंदर, यानी हमारा जो भी फसल पीरियड है उसमें सिर्फ एक बार, एक साल के अंदर हम सिर्फ एक बार एक साथ उनको जो नेचुरल एनिमीज हैं उनको फील्ड के अंदर छोड़ देते हैं, फिर वो अपने आप मैनेज करते रहते हैं, अपनी पॉपुलेशन को अपने आप बढ़ाते रहते हैं, तो ये तो क्या कहलाता है, इनोकुलेटिव रिलीज। इनंडेटिव रिलीज में क्या होता है, इनमें मास मल्टीप्लिकेशन जो हमें करना पड़ता है, यानी कि एक बार हमने छोड़ दिया, फिर थोड़े समय बाद में फिर दोबारा से कुछ इंडिविजुअल्स को छोड़ना पड़ेगा, फिर थोड़े समय बाद वापस से उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, तो कई बार यानी कि थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद उनको रिलीज़ करना पड़ता है इनंडेटिव के अंदर, ठीक है। अब देखिए इनोकुलेटिव के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर रिलीज्ड ओनली वंस, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक बार ड्यूरिंग दी सीजन, पूरे सीजन के अंदर, एंड नेचुरल एनिमीज आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करेंगे और इंक्रीज करेंगे अपनी पॉपुलेशन के अंदर,
दैट ग्रोइंग सीजन, यानी कि उस सीजन के अंदर हम एक सीजन के अंदर हमने क्या किया, रिलीज़ कर दिया उनको, फिर ये क्या करते हैं अपने आप अपनी संतति को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इनोकुलेटिव रिलीज। हैंस कंट्रोल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेनी। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल जो है हमसे एक्सपेक्ट करते हैं इनसे कि हमने जो संतति छोड़ी है वो क्या करेंगे कि अपने आप को बढ़ाते रहते हैं और जो हमारे पेस्ट वगैरह है उनको मैनेज कर देंगे। फिर है इनंडेटिव रिलीज। इनंडेटिव रिलीज में क्या है, मैंने आपको बताया, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इट इन्वॉल्व्स मास मल्टीप्लिकेशन, इसमें मास मल्टीप्लिकेशन को शामिल किया जाता है, ठीक है, यानी कि उनको बढ़ावा देना, उनको बार बार छोड़ना। एंड पीरियडिक रिलीज, पीरियडिक रिलीज का मतलब क्या होता है, पीरियड्स यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड जो होता है उसके बाद हम क्या करते हैं उनको रिलीज करते हैं, ठीक है। मास मल्टीप्लिकेशन एंड पीरियडिक रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज व्हेन पेस्ट पॉपुलेशन अप्रोच डैमेजिंग लेवल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमें पता लगा कि इस फील्ड में अब इस पेस्ट का बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो डैमेजिंग लेवल जब हमें पता चल जाता है उस समय हम क्या करते हैं, नेचुरल एनिमी को वहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है, वो मैनेज कर देंगे, उसके बाद कुछ समय तक पेस्ट नहीं होंगे, फिर जैसे ही दोबारा से हमें पेस्ट दिखाई देते हैं तो हम दोबारा से रिलीज़ कर देंगे। तो ये क्या है, सिंक्रोनाइज होता है इसके साथ, पेस्ट लेवल के साथ, जैसे जैसे पेस्ट बढ़ेंगे हम उनको रिलीज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखा जाता है। नेचुरल एनिमीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर। हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये जो एनिमी है ये अपने आप अपनी संतति को नहीं बढ़ा सकते हैं, इन्हें हमें रिलीज करना पड़ेगा थोड़े थोड़े समय के बाद, ठीक है। कंट्रोल इज अचीव्ड थ्रू द रिलीज इंडिविजुअल्स, यानी कि कंट्रोल जो है वो किससे किया जाता है, रिलीज इंडिविजुअल्स, उनको बार बार जो है छोड़ना इनको। एंड एडिशनल रिलीज आर ओनली मेड व्हेन पेस्ट पॉपुलेशन अप्रोच डैमेजिंग लेवल्स, यानी कि एडिशनल जो है हम कब छोड़ते हैं, जब पेस्ट जो लेवल है वो बढ़ जाए या फिर जो नुकसान है वो ज़्यादा होने लग जाए। तो बस सिंपल सा है, फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, यानी कि वो तो ऐसे स्थान पे लेके आना जहाँ पहले विद्यमान नहीं है। सेकंड है ऑगमेंटेशन, इसमें क्या करते हैं हम उसको रियरिंग करते हैं, पालते हैं और उनको फील्ड के अंदर छोड़ते हैं। अब छोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो इनोकुलेटिव रिलीज होता है, एक होता है इनंडेटिव रिलीज। इनोकुलेटिव का मतलब क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि बहुत सारे जो है कीट एक साथ जो है प्राकृतिक शत्रुओं को फील्ड के अंदर छोड़ते हैं ताकि वो पेस्ट को कंट्रोल कर सकें, और ये क्या करते हैं इस पूरे सीजन के अंदर अपनी संतति को बढ़ाते रहते हैं और पेस्ट को मैनेज कर देते हैं। फिर सेकंड अगर बात करें इनंडेटिव रिलीज, तो इसमें क्या होता है, एक साथ नहीं, हम क्या करते हैं फिक्स रिक्रूटमेंट के हिसाब से, हम क्या करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है हम इनको थोड़े थोड़े समय बाद हमें रिलीज़ करना पड़ता है। तो ये दो मेथड्स होते हैं। फिर थर्ड अगर बात करें कंजर्वेशन की, है ना, यानी कि संरक्षण। तो संरक्षण में क्या होता है, कंजर्वेशन इज डिफाइंड एज द एक्शन टू प्रिजर्व, यानी कि उनको प्रिजर्व करना, एंड रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज बाय एनवायरनमेंट मैनिपुलेशन। हम क्या करते हैं एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके हम क्या करते हैं इनको रिलीज करते हैं, ठीक है। और अल्टरनेट प्रोडक्शन प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनिमीज देट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एन एरिया, यानी कि सीधी सी बात यही है कि जो पहले से उस क्षेत्र के अंदर विद्यमान है उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कुछ टेक्निक्स की जाती है, कुछ तरीके काम में लिए जाते हैं। इन एरिया और नॉन यूज ऑफ दोज पेस्ट कंट्रोल मेजर्स दैट डिस्ट्रॉय नेचुरल एनिमीज, यानी फिर या फिर क्या, उन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते हैं जो नेचुरल एनिमी को नुकसान पहुंचाती है। सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, इनका संरक्षण करना है। तो संरक्षण करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर, या फिर बात करें अगर मान लीजिए किसी नेचुरल एनिमी के लिए टेम्परेचर थोड़ा लो चाहिए और इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन हाउस वगैरह या शेड वगैरह कवरिंग करेंगे, ठीक है। तो एक तो वो तरीका हो सकता है, या फिर क्या होगा कि कई बार क्या होता है हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स की स्प्रे करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे जो हार्मफुल इंसेक्ट तो मर रहे हैं, इसके साथ साथ जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है वो भी मरते रहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमें ये ध्यान रखा जाता है कि कौन सा जो इंसेक्टिसाइड है वो नेचुरल एनिमी को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे से ताकि हमारा जो नेचुरल एनिमी है उसको नुकसान ना हो। तो सीधी सी बात, हमें संरक्षण करना है वो चाहे किसी भी तरीके से हो, तो इसके लिए कुछ मेजर्स दिए गए हैं, कुछ पैमाने दिए गए हैं, ठीक है, इसको कंजर्वेशन करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यूज सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड विच इज सेफ टू नेचुरल एनिमी, ये मैंने अभी आपको बताया, यानी कि हम क्या करेंगे, कुछ चयनात्मक इंसेक्टिसाइड को, कीटनाशकों को ही यूज करेंगे जो कि सेफ हो नेचुरल एनिमी के लिए।
प्राकृतिक शत्रु के लिए जो सेफ हो उन केमिकल्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, अवॉइडेंस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर हार्मफुल टू नेचुरल एनिमी एंड यूज फेवरेबल कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब इसमें क्या कल्चरल प्रैक्टिस क्या होती है, अब जैसे निराई गुड़ाई होगी, ठीक है, इस तरीके के जो भी मतलब क्या है क्रियाएँ हैं जो हम खेती खेत के अंदर करते हैं, तो इसमें ध्यान रखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है कि कोई नेचुरल एनिमी है, ठीक है, अब उसकी एगलिंग जो है वो सोइल के अंदर हो रही है, ठीक है, अब क्या है वो बढ़ते रहेंगे, अगर हम उस पर बार बार हम उसमें निराई गुड़ाई करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो एग है उस नेचुरल प्राकृतिक शत्रु के जो एग हैं हमारे लिए तो बेनिफिट है, बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो क्योंकि उसमें से प्राकृतिक शत्रु निकलेगा और वो क्या है कीटों को खाएगा। लेकिन अगर हम बार बार उसमें निराई गुड़ाई करेंगे तो क्या होगा कि वो प्राकृतिक शत्रु के जो एग्स वगैरह है या और भी कोई स्टेज है तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो इससे क्या है उसमें कमी आएगी। तो हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हार्मफुल हो, नुकसानदेही हो नेचुरल एनिमीज के लिए, उसको अवॉइड करते हैं और यूज़ करते हैं क्या फेवरेबल कल्चरल प्रैक्टिसेस जो उसके लिए लाभदायक हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कल्टीवेशन ऑफ वेराइटीज़ दैट फेवर कॉलोनाइजेशन ऑफ नेचुरल एनिमी, यानी कि उन वेराइटियों को चूज करते हैं अपने जिनको क्या है नेचुरल एनिमी ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर उनके ऊपर उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती हो, ठीक है, समझ गए, यानी ऐसी वेराइटियों को यूज़ करेंगे जिनमें नेचुरल एनिमी उनको अच्छे से उसके ऊपर क्या है डेवलप हो सकता है या फिर जो है अपनी संतति बढ़ा सकता है। फिर है प्रोवाइडिंग अल्टरनेट होस्ट फॉर नेचुरल एनिमी, मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था अगर होस्ट ख़त्म हो गया हो यानी कि वो प्लांट ख़त्म हो गया तो हम क्या करते हैं इनको कोई अल्टरनेट होस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। होस्ट किसको बोलते हैं, परपोसी को, यानी कि जिसके ऊपर ये भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे ये भोजन प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं होस्ट। अब जैसे बात करें कोई भी कीट किसी दूसरे कीट पर रह के उससे भोजन प्राप्त कर रहा है तो वो उसके लिए क्या है होस्ट हो गया, ठीक है, और वो कीट क्या कहलाएगा पैरासाइट या प्रीडेटर्स वो हम आगे बात करेंगे। तो ये होस्ट जो है हम क्या है अल्टरनेट प्रोवाइड करवाएंगे इसको कि अगर भोजन नहीं है, जैसे मधुमक्खी में करते हैं ना कि मधुमक्खी में क्या होता है जब तक फ्लावर्स आ रहे हैं क्रॉप में तब तक तो वो अपने आप मकरंद वगैरह चूसते रहते हैं, है ना, लेकिन अगर क्रॉप नहीं हो और हमें मधुमक्खी की रेयरिंग करते हैं उस समय क्या करते हैं उसमें आर्टिफिशियल डाइट देते हैं उनको, है ना, चीनी वगैरह का घोल बना के जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर रखते हैं ताकि ये अपना लाइफ साइकिल जारी रखे और उसको चलाते रहे। तो इस प्रकार इनको भी क्या है अल्टरनेट होस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ इनएक्टिव स्टेज ऑफ नेचुरल एनिमीज, हम क्या करते हैं जो इनएक्टिव स्टेज होती है इसकी यानी जो एक्टिव नहीं होती, अगर बात करें जो प्यूपल स्टेज जो है या फिर बात करें प्यूपा जो अवस्था होती है वो इनएक्टिव होती है, तो हम इनको प्रिजर्व करते हैं, सुरक्षित रखते हैं लैब के अंदर और इसको ग्रो करवाते हैं ताकि हम बाद में काम में ले सके। प्रोवाइड पोलन एंड नेक्टर फॉर एडल्ट नेचुरल एनिमीज, अब इसको क्या है एडल्ट जो नेचुरल एनिमीज होते हैं यानी कि जो एडल्ट में जो भी प्राकृतिक शत्रु है यानी कि पूरी वृद्धि जिनकी हो चुकी है उनको खाने के लिए हम क्या करेंगे पोलन ग्रेन्स वगैरह या फिर नेक्टर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो प्रौड कीट है वो अपनी संतति बढ़ाता रह सके या फिर अपनी जो रिक्रूटमेंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करती रहे, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं उसको कैसे कैसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब तीन चीज़ें होती है पैरासाइट प्रीडेटर और पेरास्टोइड, तीन चीज़ें होती है अभी बताऊंगा मैं आपको क्या क्या होती है, ठीक है, पैरासाइट प्रीडेटर और एक होता है पैरासाइट प्रीडेटर और पेरास्टोइड। अब होता क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे पैरासाइट का, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ डेफिनेशन उसके बाद देख लेना। पैरासाइट की बात करेंगे फिर बात करेंगे पैरासिटोइड की, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और फिर बात करेंगे प्रीडेटर की। इसको बोलते हैं परजीवी, इसको बोलते हैं परजीव्याब हिंदी में, और इसको बोलते हैं परभक्षी, ठीक है। अब पैरासाइट या परजीवी किसको बोलते हैं जो किसी होस्ट के ऊपर परपोसी के ऊपर क्या करता है चिपका हुआ रहता है, इससे अपना क्या है भोजन, ये कोई पैरासाइट है तो ये क्या है इससे अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। ये चीज़ें सब में कॉमन है, ये भी भोजन प्राप्त करेगा होस्ट से, ये भी भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है इसका जो साइज होता है
इसका साइज जो होता है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा अपने होस्ट से, होस्ट से अपने पड़पोसी से हमेशा इसका साइज छोटा होगा। अब इसका और क्या चीज़ है, इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये जो है ये अकेला अपने होस्ट को किल नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, ठीक है। यानी कि ये क्या है, नॉट किल, ये क्या है, अगर अकेला हो तो उसको मार नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुत सारे एक साथ होके किसी चीज़ किसी होस्ट पर अटैक करे तो उसको कमज़ोर बना देते हैं, जो कि बाद में अपने आप किल हो जाता है, ठीक है। और अब बात करें, ये पूरी अपना लाइफ साइकिल जो होता है वो एक ही होस्ट के ऊपर निकाल सकता है, यानी कि एक सिंगल होस्ट के ऊपर अपना पूरा जीवन जीवन जो है व्यतीत कर सकता है पैरासाइट। अब पैरास्टोइड क्या होता है, ये इसी का एक रूप है। चेंज क्या है कि इसकी जो इमेच्योर स्टेज होती है, यानी कि अपरिपक्व या छोटी जो अवस्थाएँ होती है, वो क्या करती है, एज ए पैरासाइट रहती है। वो क्या है, पैरासाइट के रूप में रहती है, यानी कि सेम वही काम करेगा जो ये करता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो एडल्ट स्टेज है, या बात करें जो क्या है, एडल्ट जो स्टेज है या प्रौढ़ अवस्था जो होती है, वो फ्री लिविंग होती है, यानी कि वो किसी के ऊपर जो है पैरासाइट के रूप में नहीं रहती है, वो स्वतंत्र रहती है ना, उन नुकसान या बात करें किसी पेस्ट को वो पैरासिटाइज नहीं करती है, ठीक है। अब इसका जो साइज होता है वो क्या है, लगभग बराबर होता है अपने होस्ट के, लगभग अपने होस्ट के बराबर होता है इसका साइज। एग्जांपल की बात करूं मैं इसकी, बता देता हूं सबसे पहले आपको पैरासाइट, तो हेड लूज आपने नाम सुना होगा, हेड लूज यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में जूं, सर के अंदर जो जूं लगती है, तो आपने देखा होगा एक जूं की अगर बात करें वो क्या होता है, एक इंसेक्ट ही होता है, पेस्ट होता है। अगर ये जूं की बात करें तो ये एक हेयर के अगर ऊपर चिपक जाए तो उसके ऊपर अपना कंप्लीट जो है लाइफ निकाल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पैरासाइट। अब देखिए आप हेयर, बाल जो होता है वो कितना बड़ा होता है और इसका साइज कितना होता है, बहुत छोटा होता है ना, इसका साइज बहुत छोटा होता है, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर बात करें पैरास्टोइड की, तो पैरास्टोइड में एक बेस्ट एग्जांपल है ट्राइकोग्रामा, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है ट्राइकोग्रामा, इसमें अलग अलग स्पीशीज होती हैं। जो ये क्या है, एक एग पैरास्टोइड है, ये क्या करता है, ये अपने जो भी कीट होते हैं फील्ड के अंदर लगने वाले, उसके एग्स के अंदर अपना एग दे देता है ये, ठीक है। उससे क्या होगा, वो पैरासिटाइज हो जाते हैं, फिर उससे क्या है, एडल्ट बाहर नहीं निकल पाता है, सॉरी निम्फ बाहर नहीं निकल पाता है, या बात करें लार्वी बाहर नहीं निकल पाता है, और उससे क्या होगा, वो उसको पैरासिटाइज कर देता है। तो ये काम करता है उसको मैनेज करने का, ठीक है। ये ट्राइकोग्रामा हो गया, ये पैरासिटाइड। अब बात करें प्रीडेटर की, तो जैसा कि नाम से ही देखिए पता चल रहा है, पर बक्सी, पर का मतलब क्या होता है, दूसरे पे, और बक्सी का मतलब क्या होता है, भक्षण करना किसी चीज़ को। अब भक्षण कोई कब करेगा, जब उसका साइज बड़ा होगा। तो सीधी सी बात है, इसका जो साइज होता है वो अपने होस्ट से क्या होता है, बड़ा होता है, और इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, मोर देन वन होस्ट, यानी कि एक से ज़्यादा होस्ट के ऊपर ये अपना लाइफ साइकिल गुजारता है। इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। साइज इसका बड़ा होता है, और अपने एक लाइफ साइकिल के अंदर ये क्या है, बहुत सारे होस्ट को चेंज करता रहता है। इसके साथ साथ क्या है कि ये उसको डायरेक्ट किल कर देता है, अपना जो होस्ट होता है उसको डायरेक्ट किल करता है, यानी कि सीधी सी बात है, साइज में बड़ा है तो उसको डायरेक्ट निगल जाता है, खा जाता है, तो ये क्या है, उसको डायरेक्ट किल कर सकता है। एग्जांपल मैं आपको इसका बता दूं, बेस्ट इसका है लेडी बर्ड बीटल, एक आता है कोक्सीनेला बोलते हैं जिसको, कोक्सीनेला स्पीसीज। अब ये कोक्सीनेला स्पीसीज जो होती है ये क्या है, ये जो आपके एफिड जो होते हैं, एफिड को खाने का काम करते हैं, और ये क्या है, एफिड को डायरेक्ट उसको खा जाते हैं। ये क्या है, साइज में बड़े होते हैं एफिड से, और उसको भक्षण का काम करते हैं। तो ये तीनों हो गए हैं ना, इसमें क्या है, पैरासाइट क्या है, पैरास्टोइड क्या है, प्रीडेटर क्या है, तीनों की डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि है क्या। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पैरासाइट की। ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जीव विच इज यूजली मच स्मॉलर देन इट्स होस्ट, छोटा होता है, ठीक है, अपने होस्ट से बहुत छोटा होता है। एंड ए सिंगल इंडिविजुअल यूजली डजेंट किल द होस्ट, एक अकेला जो है नेचुरल ये प्राकृतिक शत्रु है जो वो होस्ट को किल नहीं कर पाता है, उसको मार नहीं कर पाता है। पैरासाइट में कंप्लीट देयर इंटायर लाइफ साइकिल
और मे इन्वॉल्व सेवरल होस्ट स्पीसीज। अब ये क्या है, अपना पूरा लाइफ साइकिल जो है वो एक ही होस्ट के ऊपर गुजार सकता है और मे भी चेंज भी कर देखते हैं, ठीक है। और पैरासाइट इज वन विच अटैच इट्स सेल्फ टू द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है कि अपने आप को किसी अदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर अपने आप को चिपका लेता है। अब वो चाहे एक्सटर्नली यानी बाहर से चिपका रहे या फिर इंटरनली या उसके अंदर रहे, ठीक है। एंड गेट्स न्यूरिशमेंट यानी कि पोषण प्राप्त करता है उससे, पोषण प्राप्त करता है। एंड शेल्टर का मतलब क्या होता है, आवास यानी कि रहने के लिए जो जगह है वो भी उसी से ये क्या है प्राप्त करेगा, एटलीस्ट फॉर ए शॉर्टर पीरियड, ठीक है। इफ़ नोट फॉर द एंटायर लाइफ साइकिल, ठीक है, एक छोटे समय के लिए, अगर पूरी लाइफ साइकिल में वो वहाँ पे नहीं बिताता है तो। द ऑर्गेनिज्म विच इज अटैक्ड बाई द पैरासाइट इज कॉल्ड होस्ट, यानी कि जिसके ऊपर ये अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। तो ये हो गया पैरासाइट, ये मैंने बता दिया आपको क्या क्या होता है क्या नहीं, एग्जाम्पल इसका लाइस भी है, बाकी हेड लूज मैंने आपको बताया था, जो हेड लूज इसका एग्जाम्पल है। बढ़िया। फिर है पैरासिटिज्म, ये क्या है, प्रोसेस है जो ये अटैक करता है होस्ट के ऊपर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूरिशमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट, यानी कि होस्ट से पोषण प्राप्त करने की क्या है, एक फिनोमिना, एक टर्म है, ठीक है। विच द पैरासाइट इज अटैक्ड, जिसको पैरासाइट द्वारा अटैक किया जाता है या जिसके ऊपर पैरासाइट अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म बोलते हैं। या फिर सीधी सी भाषा में बात करें तो एक पैरासाइट द्वारा किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड रह के उससे भोजन प्राप्त करने और उसको क्या है अफेक्ट करने को, उसको प्रभावित करने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म बोलते हैं। अब बात करेंगे पैरास्टोइड की, सेकंड बात करेंगे पैरास्टोइड की, तो परजीवी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परजीवी, इसको परजीवी बोलते हैं। इज एन इंसेक्ट पैरासाइट ऑफ एन आर्थ्रोपोड, कोई भी आर्थ्रोपोड का एक क्या है, इंसेक्ट पैरासाइट या परजीवी हो सकता है। पैरासिटिक ओनली इन इमेच्योर स्टेज, मैंने अभी आपको बताया, यानी कि अपरिपक्व अवस्था जो होती है या छोटी स्टेज जो होती है उस स्टेज में क्या है ये पैरासाइट के रूप में काम करता है। डिस्ट्रॉयज इट्स होस्ट, अपने होस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जब अपने आप को डेवलपमेंट करता है उसको ख़त्म करके, ठीक है। एंड फ्री लिविंग, और क्या है, फ्री लिविंग रहता है एज एन एडल्ट, यानी कि जब बड़ा हो जाता है, प्रोड किट जो होता है वो फ्री लिविंग रहता है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। एग्जाम्पल ट्राइकोग्रामा स्पीसीज मैंने आपको बताया, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये क्या है, एक एग पैरास्टोइड है। एग पैरास्टोइड किसको बोलते हैं, जो एग के ऊपर डिपेंड रहता है, उससे भोजन प्राप्त करता है। फिर उसके बाद बात करें तो है क्वालिटीज़ की, अगर बात करें क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल पैरास्टोइड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि अगर बात करें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक पैरास्टोइड के अंदर कि हम उसको यूज़ कर सकें एज ए नेचुरल कंट्रोल, तो इसमें क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, ए पैरासाइट शुड हैव फॉलोइंग क्वालिटीज़, क्या होनी चाहिए, एक तो शुड बी अडेप्टेबल टू इन्वायरमेंट कंडीशन ऑफ द न्यू लोकली, यानी कि हम जब उसको नए वातावरण के अंदर छोड़ते हैं तो वहाँ उसको वो अडोप्ट कर लेने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो उसको जो वातावरण आके वहाँ पर अनकम्फर्ट फील करे या फिर वहाँ उसकी जनरेशन जो कम होने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, एक तो एडेप्टेबल होना चाहिए, उस वातावरण को ग्रहण कर लेने वाला होना चाहिए। सेकंड अगर बात करें, शुड बी एबल टू सर्वाइव इन हैबिटेट ऑफ द होस्ट, जो होस्ट है जो पर्पोसी जिस मतलब वातावरण में रह रहा है वो भी उसी में रहने वाला होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ढल जाने वाला होना चाहिए। थर्ड अगर बात करें तो शुड बी स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर स्पीसीज, अब ये क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर ही पैरास्टोइड के रूप में होना चाहिए, यानी कि जैसे हम बात करें लेडी बर्ड बीटल जो होती है, ठीक है, कोक्सिनेला जो होती है, कोक्सिनेला स्पीसीज, अब ये क्या है, ये सिर्फ एफिड के ऊपर अटैक करती है, तो ऐसा होना चाहिए कि हम जिस पेस्ट के खिलाफ इनको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचाने वाले होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ये नुकसान देने वाले के साथ साथ जो फायदेमंद कीट है उनको भी नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड बी स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए टू ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ होस्ट और एटलीस्ट ए नैरोली लिमिटेड रेंज ऑफ होस्ट, यानी कि या फिर उसके आसपास, जैसे एफिड की है, एफिड की कोई भी स्पीसीज हो सब पे कोक्सिनेला फीड करता है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं
नेक्स्ट शुड बी एबल टू मल्टीप्लाई फास्टर देन होस्ट। अब ये क्या है, इसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अपने आप को बहुत जल्दी ग्रो करे, यानी 2 गुना 4 गुना अपनी जनरेशन को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए एज होस्ट, होस्ट से ज़्यादा। अब मान लीजिए कोई नुकसान देने वाला कीट है, वो बढ़ रहा है अपनी संतति को बढ़ा रहा है, तो अगर ये उससे कम अपनी संतति को बढ़ा रहा है तब तो वो बढ़ते रहेंगे और पेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये उससे ज़्यादा जल्दी अपनी जनरेशन बढ़ाने वाला होना चाहिए, संतति बढ़ाने वाला होना चाहिए। शुड बी हैविंग मोर फिकंडिटी, यानी कि जनन की जो क्षमता है ना, फिकंडिटी क्या बोलते हैं कि जितने एग्स एक फीमेल देती है उससे कितने पेस्ट मतलब सर्वाइव कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिकंडिटी बोलते हैं, जनन क्षमता जो होती है तो ये ज़्यादा होनी चाहिए। फिर बात करें लाइफ साइकिल मस्ट बी शॉर्टर देन दैट ऑफ होस्ट। अब इसका लाइफ साइकिल जो है वो छोटा होना चाहिए होस्ट से, यानी कि जब तक होस्ट है तो होस्ट के रहते रहते ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि होस्ट तो जीवित रहता है 10 दिन और ये जीवित रहते हैं 15 दिन, तो बाकी के 5 दिन ये पोषण कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि ये होस्ट को ख़त्म होने से पहले पहले अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लें और उसको क्या नुकसान पहुँचाए। फिर है शुड हैव हाई सेक्स रेशियो, यानी कि सेक्स रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, मेल फीमेल ज़्यादा होने चाहिए। फिर है शुड हैव गुड हाई सेक्स रेशियो, मतलब क्या, फीमेल्स ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू मेल्स। फिर है शुड हैव गुड सर्चिंग कैपेसिटी ऑफ होस्ट। अब इनके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये जल्दी जल्दी होस्ट को सर्च कर सके, यानी कि ये एक बार ख़त्म हो गया होस्ट उसके बाद ऐसा नहीं हो कि वो वहीं रहे, यानी कि वो आसपास के फील्ड में या फिर फील्ड में और कहीं जहाँ पर ये पेस्ट विद्यमान रहते हैं ये वहाँ पर जाके क्या है उसको सर्च करके उसको फीड करने वाले इनकी कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर है शुड बी अमेंडेबल फॉर मास मल्टीप्लिकेशन इन द लैब्स, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि अगर हम इनको लैब के अंदर ले जाके इनको ग्रो करना चाहिए, इनको आर्टिफिशियल डाइट दे के इनको बढ़ाना चाहिए तो ये बढ़ जाने वाले होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये लैब के इन्वायरमेंट को शूट ना करे या उसके अंदर ये जीवित ना रह सके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है शुड ब्रिंग डाउन होस्ट पॉपुलेशन विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर अंदर जो पूरा होस्ट हम जिसके खिलाफ यूज़ कर रहे हैं उसको पूरी तरह से ये ख़त्म कर देने वाले होने चाहिए। फिर है देर शुड बी क्विक डिस्पर्सल ऑफ द पैरासिटॉइड इन द लोकेलिटी। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, फैलाव अगर हम बात करें तो ये क्या है, बहुत जल्दी पूरे फील्ड के अंदर जहाँ हम रिलीज कर रहे हैं वहाँ फैल जाने वाले होने चाहिए। फिर है शुड बी फ्री फ्रॉम हाइपर पैरासिटॉइड। अब हाइपर पैरासिटॉइड क्या होता है ये हम टर्म बात करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें आगे बात करेंगे, बाकी मैं बता देता हूँ हाइपर पैरासिटॉइड का मतलब क्या होता है, जब एक पैरासिटॉइड दूसरे पैरासिटॉइड के ऊपर ही जब अटैक करने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर पैरासिटॉइड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पैरासिटॉइड किसी दूसरे पैरासिटॉइड को ही खाने लग जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हाइपर पैरासिटिज्म नहीं होनी चाहिए। फिर इसके कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल कंट्रोल के, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक पेस्ट है कॉटनी क्वेश्चन स्केल। अब सबसे पहले ध्यान रखना इस पेस्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये कौन सी क्रॉप का पेस्ट है, तो कॉटनी से यहाँ मतलब कॉटन का नहीं है, ये कौन सी क्रॉप का पेस्ट है, ये सिट्रस क्रॉप का पेस्ट है, ध्यान रखना, जो सिट्रस नींबू वर्गीय फसलें होती है उनका पेस्ट है। नॉर्मल सा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। कॉटनी क्वेश्चन स्केल जो पेस्ट है आइसीरिया परचेसी, ये फ्रूट ट्रीज पे लगता है, इसको क्या है एक बीटल आती है विडेलिया बीटल, रोडोलिया कार्डिनेलिस उसका साइंटिफिक नेम है। अब ये क्या है नीलगिरी हिल से लाई गई थी, इसको कंट्रोल करने में ये सक्सेसफुल साबित हुई है, यानी कि ये क्या है प्रीडेटर है जो इसको इस पेस्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। द प्रीडेटर वाज इम्पोर्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया से लाया गया था 1929 में और फ्रॉम इजिप्ट से 1930 में, और इसको मल्टीप्लाई किया था यहाँ लेबोरेटरी में आगे क्या है इसको बढ़ाने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा जो है इसकी संख्या करने के लिए, ठीक है। विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर क्या है द पेस्ट वाज इफेक्टिवली चेक्ड, हम देखा गया कि ये इफेक्टिव साबित हुआ है, ये प्रभावशाली साबित हुआ है। ऐसे ही अगर और बात करें फॉर द बायोलॉजिकल सप्रेशन ऑफ वाटर फर्न, ठीक है, पानी के अंदर एक फर्न आती है सेल्विनिया मोलेस्टा, तो सेल्विनिया मोलेस्टा के लिए एक विविल काम में लिया गया था क्रिप्टोबैगस सेल्विनी। अब ये क्रिप्टोबैगस सेल्विनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था 1982 में, ये क्या है ये इसके खिलाफ सक्सेसफुल साबित हुआ है एक्जोटिक बीटल, ये जो है क्रिप्टोबैगस सेल्विनी वाज रिलीज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर फर्न सेल्विनिया मोलेस्टा इन लिली पॉन्ड,
ये क्या है, लिली पोंड के अंदर इसको छोड़ा गया था बेंगलोर के अंदर 1983-84 में, ठीक है। 11 महीने के अंदर अंदर इसको रिलीज करने के 11 महीने के अंदर अंदर पूरा जो पोंड है उसको इसने कंट्रोल कर दिया, यानी कि जो सेल्विनिया मोलेस्टा है उसको ख़त्म कर दिया। तो ये भी है एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल का। और अगर बात करें तो वाटर हाइसिंथ एक होती है पानी के अंदर, आइकोर्निया क्रेसिप्स, ठीक है। ये क्या है, इसके लिए क्या है, तीन जो है एग्जोटिक यानी कि विदेशी, जो बात करें बाहरी नेचुरल एनिमीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। क्या क्या है, एक तो हाइड्रोफिलिक विविल है, ठीक है, निकोटिना ब्रूची एंड निकोटिना आइकोर्नी, ठीक है, ये अर्जेंटीना से लाई गई थी। और एक है गेलुमिंड माइट, ठीक है, ऑर्थोगेलुमना टेरेब्रेंटिस, इसको क्या है साउथ अमेरिका से लाया गया था। तो ये क्या है, इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल किया, इसको सप्रेशन का मतलब क्या है, इसको दबा दिया या इसकी संख्या को कम कर दिया था वाटर हाइसिंथ को। तो ये नेचुरल एनिमीज है जो इसके खिलाफ यूज़ किया गया। ऐसे ही एप्पल वुली एफिड जो होता है एरियोसोमा लेनिजेरम, इसके खिलाफ क्या है यूज़ किया गया था एफेलिनस माली जो है पैरास्टोइड, एफेलिनस मेली, ये पैरास्टोइड यूज़ किया गया था इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फिर है कंट्रोल ऑफ शूट बोरर ऑफ शुगर कैन, कॉटन बॉलवर्म, स्टेम बोरर ऑफ पेडी, इन सब के लिए क्या है सोरगम, ठीक है, शूट बोरर, स्टेम बोरर, पेडी का और सोरगम का दोनों का, विद एग पैरास्टोइड ट्राइकोग्रामा ऑस्ट्रेलिकम, यानी कि ट्राइकोग्रामा ऑस्ट्रेलिकम को यूज़ किया गया था इन सब के लिए, शुगर कैन के शूट बोरर के लिए, कॉटन बॉलवर्म के लिए, स्टेम बोरर ऑफ पेडी और जो है ज्वार दोनों के लिए यूज किया गया था। 50,000 पर हेक्टेयर पर वीक, ठीक है। ये क्या है, इनकी नंबर ऑफ एग्स हैं ट्राइकोग्रामा के, क्योंकि एग पैरास्टोइड है, फॉर 4 to 5 weeks फ्रॉम 1 month आफ्टर प्लांटिंग, यानी कि फसल जब 1 month की हो जाए उसके बाद क्या है, हम 50,000 इसके एग्स जो है वो फील्ड के अंदर रिलीज किए गए और काफ़ी बेहतर इससे रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल कुछ एग्जाम्पल है, इनको पढ़ लेना भी, अच्छे से पूछ लिया जाता है इनसे क्वेश्चन। फिर है पैरासाइट्स कैन बी ग्रुप्ड एज फर्निश्ड बिलो, इनको ग्रुप में बांट सकते हैं अपने अलग अलग आधार पे। सबसे पहले बात करें तो है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ होस्ट, यानी कि उस होस्ट का नेचर कैसा है। जैसे बात करें पैरासाइट जो है उसका नेचर कैसा है, तो उसके आधार पे हम बांट सकते हैं। सबसे पहले जैसे जू फैगस, अब जू का मतलब क्या होता है, जानवर, तो देट अटैक ऑन एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स पे अटैक करे उसको क्या बोल देंगे, जू फैगस। ऐसे ही फाइटोफेगस क्या होंगे, जो प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे। एंटोमोफेगस क्या होंगे, जो इंसेक्ट के ऊपर अटैक करेंगे। एंटोमोफेगस इंसेक्ट क्या होंगे, ये पैरास्टोइड, ये पैरासाइट और पैरास्टोइड दोनों हो सकते हैं, ठीक है, एंटोमोफेगस। अब फिर है बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑफ द साइट ऑफ पैरास्टेशन, यानी कि ये किस साइट पे पैरास्टाइजेशन करते हैं, अब वो बाहर से करते हैं या अंदर से, इस प्रकार इसको बांटा जा सकता है। जैसे फर्स्ट बात करें तो है एक्टोपैरासाइट, अब एक्टोपैरासाइट में क्या है, दे अटैक इट्स होस्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के बाहरी जो हिस्सा है वहाँ से अगर अटैक करते हैं तो ये क्या होगा, एक्टोपैरासाइट हो जाएंगे। द मदर पैरासाइट ले इट्स एग ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, यानी कि इसकी जो मदर पैरासाइट होगी, यानी वो फीमेल जो होगी वो क्या करेगी, उस बॉडी या जो बॉडी होती है होस्ट की उसके बाहर एग लेइंग करेगी, फिर वो बाहर ग्रो होगा, हैचिंग होने के बाद वहीं पे क्या है वो अटैक करता रहता है और न्यूरिशमेंट प्राप्त करता है होस्ट। एंड आफ्टर द एग्स आर हैच्ड द लार्वी फीड ऑन द होस्ट by remaining outside only, यानी कि सिर्फ बाहर की तरफ से रह गई उसको फीड करते हैं। जैसे example हेड लूज मैंने आपको बताया था, जो बोलते हैं एप्रिकेनिया मेलानोल्यूका, ठीक है, एपीपायरोपस स्पीसीज है इसकी example है। फिर है एंडोपैरासाइट, सेम चीज़ है, ये क्या करते हैं, होस्ट के अंदर रह के फीड करते हैं, enters on the body of host and feeds from inside, अंदर से फीड करते हैं। the mother parasite lay eggs inside the tissue of the host, जो होस्ट होता है उसके टिश्यू के अंदर एग लेइंग करती है और फिर क्या है, ठीक है, और या फिर क्या है, जो फूड मटेरियल होता है जिनको वो होस्ट खाता है वहाँ पे एग लेइंग करती है, फिर ये क्या है अंदर चले जाते हैं, फिर अंदर ही हैचिंग होती है और उसको अंदर ही अंदर से फीड करते रहते हैं। होस्ट टू गेन इंटायर इनसाइडली, इसमें एग्जाम्पल है ब्रेकोनिड एंड आइकेनिमोनॉइड, ये क्या है वेस्प होते हैं, ठीक है, जो क्या है ये काम करते हैं, जो क्या है इंटरनली उसको फीड करते हैं। एपेंटलस फ्लेविपस ऑन ज्वार स्टेम बोरर लार्वा, जो है स्टेम ज्वार स्टेम बोरर लार्वा के ऊपर जो एपेंटलस फ्लेविपस है, फ्लेविप्स है, ये क्या करता है उसको इंटरनली जो है फीड करता रहता है उसके ऊपर। फिर है स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ होस्ट, अब
होस्ट की स्टेज के आधार पे क्या क्या हो सकता है, तो वो है सबसे पहले एग पैरासाइट, जो एग के ऊपर क्या है पैरासाइट के रूप में रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्राइगोग्रामा ऑस्ट्रेलिकम हो गया। फिर है अर्ली लार्वल पैरासाइट, यानी कि जो लार्वा तुरंत हेज होता है एग से उसके ऊपर अटैक करे, जो एपेंटिलस टेरेगम। फिर है मिड लार्वल पैरासाइट ब्रेकन हैबिटर, प्री प्यूपल पैरासाइट गोनियोजस नेफेंटिडिस, और प्री प्यूपल पैरासाइट ये एक और है एलेसमस नेफेंटिडिस, ठीक है। फिर प्यूपल पैरासाइट ये है ट्राइकोस्पिलस प्यूपिवोरा या फिर ट्रेस्टेस्टिकस इजरेली। तो ये सारे क्या है, ये स्टेज के आधार पर है, जो एग के ऊपर अटैक करेगा वो एग पैरास्टोइड है, जो लार्वा के ऊपर अटैक करेगा वो लार्वल पैरास्टोइड है। तो ये इनका नेचर है कि ये कौन सी स्टेज के ऊपर अटैक करते हैं, उस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर है एक दो एग्जाम्पल याद रख लेना, इनके काम आएंगे। फिर है डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ अटैक, की किस टाइम तक ये या मैंने कितने समय के लिए ये क्या है अटैक करते हैं, उसके ऊपर इसको डिवाइड किया गया ड्यूरेशन के आधार पर। फिर है ट्रांजिटरी पैरासाइट। अब ट्रांजिटरी पैरासाइट का मतलब क्या होते हैं, जो पैरासाइट कुछ समय ही अपनी लाइफ का है, जो किसी होस्ट के ऊपर जो है पास करते हैं या उससे गुजरते हैं, जैसे इट इज़ नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होते, बट ट्रांजिटरी पैरासाइट विच स्पेंड ए फ्यू स्टेज, यानी कि अपने लाइफ की कुछ स्टेज जो है वो एक होस्ट के ऊपर फीड करते हैं, एंड अदर स्टेज ऑन सम अदर स्पीसीज ऑफ होस्ट, और अपनी दूसरी जो अवस्थाएं हैं वो किसी दूसरे होस्ट पे करते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिटरी पैरासाइट, ठीक है। फिर है इसके एग्जांपल ब्रेकोनिड्स एंड आइकिमनोइड्स के एग्जांपल है। फिर परमानेंट पैरासाइट की बात करें, तो परमानेंट पैरासाइट क्या होते हैं, जो एक होस्ट पर चिपने के बाद उसी से अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, विच स्पेंड ऑल द स्टेज ऑफ इट्स लाइफ ऑन सेम होस्ट, एक ही होस्ट के ऊपर स्पेंड करते हैं उसको। एग्जाम्पल के लिए हो गया हेड लूज, जो है अपनी हेयर्स के ऊपर ही अपना पूरा लाइफ साइकिल क्या है गुजार देती है, तो ये क्या हो गया परमानेंट पैरासाइट। फिर है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ पैरासिटाइजेशन, पैरासिटाइजेशन की डिग्री के आधार पर, तो इसमें क्या है, एक तो होता है ऑब्लिगेटरी और एक होता है फैकल्टेटिव। अब ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, जो वास्तविक होता है ना, सापेक्ष, अगर इसकी बात करें तो ये क्या, पैरासाइट विच कैन लिव ओनली एज ए पैरासाइट एंड कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम द होस्ट इवन फॉर शॉर्टर पीरियड, यानी कि ऐसे पैरासाइट जो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं और थोड़े से भी समय के लिए क्या है उससे अलग नहीं रह सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, जैसे बर्ड लाइस हो गया या फिर हेड लूज हो गया, ये क्या है ऑब्लिगेटरी पैरासाइट बोलते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, अवसरवादी, यानी कि अवसर चेंज करते रहते हैं, जैसे पैरासाइट विच कैन लिव अवे फ्रॉम द होस्ट, यानी कि होस्ट से दूर रह के भी जीवित रह सकते हैं एटलीस्ट फॉर ए शॉर्टर पीरियड, और कम से कम कुछ समय के लिए तो दूर रह ही सकते हैं, जैसे फ्लीज होगी, ठीक है। फिर है हैबिटेट के आधार पर, फूड हैबिट्स के आधार पर, तो इसमें क्या है, इनको तीन भागों में बांटा गया हैबिट्स के आधार पर, पॉलीफेगस, ओलिगोफेगस और मोनोफेगस। अब मैं बता दूं आपको, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है, और ओलिगो का मतलब होता है एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, लेकिन कुछ सीमा होती है इसकी। पॉलीफेगस का मतलब होता है बहु। अब पॉलीफेगस, फेगस का मतलब क्या होता है, भक्षण करना, यानी पॉलीफेगस क्या होते हैं, जो बहुत सारी स्पीशीज के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं उसको पॉलीफेगस बोलते हैं। डेवलप ऑन द नंबर ऑफ वाइडली डिफरेंट होस्ट स्पीशीज, जो अलग अलग होस्ट स्पीशीज के ऊपर डिपेंड रहता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीफेगस बोलते हैं। एग्जाम्पल ब्रैकोन स्पीसीज, एपेंटिलस स्पीसीज ऑन लेपिडोप्टेरन कैटरपिलर, ये क्या है, एपेंटिलस स्पीसीज जो होती है, तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के बहुत सारे कीट जो होते हैं उनके ऊपर क्या रहती है, एज ए पैरासाइट रहती है, तो ये हो गया पॉलीफेगस। ओलिगोफेगस में क्या होता है, जो एक से ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, विच हैज वेरी फ्यू होस्ट, यानी कि बहुत कम होस्ट होते हैं, मोर देन वन होस्ट, एक से तो ज़्यादा होते हैं, बट ऑल दी होस्ट आर क्लोजली रिलेटेड, लेकिन जो होस्ट होंगे वो क्या है, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होंगे, ऐसे नहीं होगा कि एक कुछ है और एक कुछ है, ऐसा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं उनकी प्रजातियां सेम होगी, ठीक है। जैसे आइसोटीमा जेवेंसिस जो है, ये शुगर केन और सोरगम बोरर्स दोनों के ऊपर क्या है दोनों ही बोरर, तो ये इनके ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। फिर है मोनोफेगस, जो कि सिर्फ एक होस्ट पे डिपेंड रहता है, विच हैज ओनली वन होस्ट स्पीसीज, एक ही होस्ट स्पीसीज के ऊपर रहता है, एंड कैन नॉट सर्वाइव
इन अनदर स्पीसीज और अदर स्पीसीज पे ये सर्वाइव नहीं कर सकता, होस्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए गोनिंजस नेफेंटिडिस जो होती है ऑन ओपिसिना एरेनोसेला जो होता है इसके ऊपर रहती है ये, ठीक है। तो ये आपकी आज की अगर बात करें तो अभी बायोलॉजिकल कंट्रोल में और कुछ बचे हुए हैं इसके टाइप वगैरह, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, इसके टाइप्स वगैरह, ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह, पैरासाइट क्या होता है, पैरासिटोइड क्या होता है और प्रीडेटर क्या होता है, और कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।